बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की जल्द रिलीज होने वाली फिल्म थैंक गॉड का विरोध शुरू हो गया है। कायस्थ महासभा ने आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड की फिल्मों पर ग्रहण लगा हुआ है। फिल्में किसी न किसी कारण से बायकॉट झेल रही हैं, जिसके चलते फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ साथ फिल्म रिलीजिंग की संख्याओं में भारी कमी आई है। इसमें अब अजय देवगन की नई रिलीज होने वाली फिल्म थैंक गॉड भी जुड़ गई है। इस फिल्म के कुछ डायलॉग और दृश्यों को विवादित और आपत्तिजनक बताते हुए कायस्थ महासभा के सदस्यों ने आज मुरादाबाद की कलेक्ट्रेट पहुंचकर फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग अपने हाथों में बड़ा सा बैनर लिए हुए थे। इनका कहना था कि फिल्म में भगवान चित्रगुप्त को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका पूरा हिंदू समाज विरोध करता है, और इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। क्या प्रदर्शन चल रहा है यहाँ? प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट। अच्छा, आज हमारे द्वारा एक ज्ञापन माननीय डीएम जी के दिया जा रहा है राष्ट्रपति के। थैंक गॉड से एक पिक्चर जिसके निर्माता निर्देशक अजय देवगन हैं, उन्होंने हमारे आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त के पिक्चर में दर्शाया है। बहुत ही अश्लीलता के साथ उनके उनकी उन्हें दिखाया गया है उनके ट्रेलर में, और आज उसी विरोध स्वरूप हम यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के पदाधिकारी, हम उन्हें ये अजय देवगन को बताना चाहते हैं कि चित्रगुप्त भगवान जो हैं वो तमाम हिंदू देवी देवता में आते हैं, और हिंदू समाज उनका बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन्हें अपना भगवान मानता है। ऐसे आराध्य को आज उन्होंने जो चित्र अपनी पिक्चर बनाई है सिर्फ अपने लाभ कमाने के लिए, उस पिक्चर को इतना घटिया तरीके से दर्शाया गया है, उसका अपमान काई समाज और हिंदू समाज अब नहीं। इस तरह की पूर्व में पिक्चर आ चुकी हैं, क्या वजह है इस तरह की पिक्चर आ रही? देखिए, बॉलीवुड का एक ट्रेंड हो गया है कि हर अभी आमिर खान की पिक्चर आई थी, ये लोग पहले गलतियाँ करते हैं बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, या तो इनका एक ट्रेंड है ये अपनी पिक्चरों को हिट कराने का। आप अपनी पिक्चरों को और अधा रहे हैं उस तरीके से हिट कराइए, मगर ये आप किसी देवी देवता का अपमान करके और जो सड़कों पर हमारे ऐसा मजाक उतरा हुआ है उस तरीके से अगर आप पब्लिसिटी लेना चाहते हैं तो मैं इसका ग्रुप बहुत विरोध कर देता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे आराध्य चित्रगुप्त भगवान जो हिंदू समाज के सबसे आराध्य भगवान है, उसको देखते हुए मैं भारत सरकार से राष्ट्रपति महामहिम से जो उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो अभी तो हमने सिर्फ मात्र ट्रेलर देखा है और 25 अक्टूबर को जो ये पिक्चर रिलीज हो रही है, संभवतः उसमें और कुछ भी होगा। आपको हम ये चाहते हैं इस पिक्चर पे तत्काल अभी बैन लगाया जाए, और अगर हमारी इस पे हमारी काय समाज में अत्यंत रोष है, और उत्तर प्रदेश में नहीं आज आप आल भारत में इसका विरोध किया जा रहा है। हमारी संस्था के द्वारा कम से कम आज 20 जिलों में जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया गया, और अगर इस पर अमल करते हैं तो आप सरकार का सबका धन्यवाद मिलना बनना हमारे अखिल भारतीय काय समाज सभा ट्रस्ट अजय देवगन का पुतला भी फूकेगा।